माता श्री, सबसे पहले आपके श्री चरणों में आपकी इस लाजवंती का, इस बहू का प्रणाम करती हूँ। सासू माँ आइए, आपसे पहले सासू माँ आई लेकिन मैंने उन्हें वापस भेज दिया। अब पिताश्री आए हैं, शायद मेरी बात उन्हें समझ में आ गई है। क्या वो साधु दरवाजे से वापस चले गए? ऐसा नहीं हो सकता मेरी बेटी, क्योंकि आज तेरे ससुर बेबस लाचार मजबूर होकर के तेरे पास में आया है और तुझसे कुछ मांगने की आशा और उम्मीद लेकर के मैं आया हूँ। मेरी लाडो, कहिए पिताश्री। मेरी झोली भर दे। आज ऐसी विपत्ति की समय ये विनंगना मेरे सामने है जिसको देख करके पत्थर का कलेजा फट सकता है, लेकिन राजा मोरध्वज का कलेजा नहीं फट सकता। दुख भी है, पश्चाताप भी है, लेकिन मेरी लाडो मजबूर भी होगी। सुनिए मेरी बात। कहिए पिताश्री। सुनिए, आइए। आज तेरे पाया मैं धरूं, ताज ने नहीं पिताश्री, नहीं, ये ताज तो आपके सर की शोभा है पिताश्री। मेरी बेटी रख दे आज लाज ने। नहीं पिताश्री, आज राख दे मेरी लाज से। स्वर्ग बने उस घर का, जहाँ ऐसे संस्कार मिलता स्वर्ग बने उस घर का, जहाँ ऐसे संस्कार मिलता स्वर्ग बने उस घर का जी। स्वर्ग बरोबर घर में तेरे, स्वर्ग बरोबर घर में तेरे, स्वर्ग बरोबर घर में तेरे, मैं नरक बावन आया बेटी। नहीं, तेरी अमृत जैसी, अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिला वन आया बेटी। भरा हुआ यो भरा हुआ सिंदूर मांगे का, नहीं आज मिला वन आया भरा हुआ सिंदूर मांगू दान पति का कर दे, मांगू दान पति का कर दे, मेरे आगे झोली भर दे। मांगू दान पति का कर दे, मेरे आगे झोली भर दे। बिना सा सवाल आज
एहसान नहीं भूलूंगा। और अगर तूने मना कर दिया तो आज तुम्हारा ये ससुर मोरध्वज तुम्हारी चौखट में जान दे देगा, लेकिन वचन हार जीते जी नहीं हो सकता। पिताश्री, हाँ, कैसी बातें करते हो? अरे मेरी नई नई शादी हुई है, अरे मैं भी जानती हूँ कि मेरे पिता राजा मोरध्वज बहुत बड़े सत्तधारी हैं, लेकिन क्या मेरी तरफ आपको एक नजर नहीं उठती? क्या मेरी तरफ आपका कोई फर्ज नहीं बनता? अरे एक बार तो देखिए पिताश्री, मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छुटी, हाथ का कंगना नहीं खुला। नई नई शादी हुई है और मेरे पति का दान मांगने के लिए आ गए हो। अरे कैसे आपको दान दे दूं पिताश्री, कैसे दान दे दूं? लेकिन मैं भी जानती हूँ आप मेरे पास आए हो कुछ उम्मीद करके आए हो। मैं आपको लौटाने वाली नहीं, जो मुझसे बनेगा मैं जरूर दूंगी पिताश्री। राजा मोरध्वज की ये रागनी आपके बीच में चल रही है, दूसरी कली कहने के लिए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे बड़े बुजुर्गों की आंखों में भाव आ रहे हैं और दो चार बड़े बुजुर्ग भी आंखों में पानी लेकर के आ रहे हैं। सत्य धर्म की गाथा है, अच्छी लग रही हो, आनंद आ रही हो तो जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार ताली कह दे मेरी लाड़ी। से होया करता हक अपनी औलाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, जीवन का आधार से आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा, आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। ओ जिसके सारे पहले कहा था कि या तो हाँ कर दे या ना कर दे, बोल तेरे पास क्या जवाब है पिताश्री? हाँ, हाँ, हाँ। जो इंसान सत के धर्म पर चलने वाले होते हैं वो कभी पीछे कदम नहीं हटाया करते। एक कहावत भी कही है पिताश्री कि सदा कुल रीत चली आई, कि सदा कुल रीत चली आई, हाँ। और प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपने वचन दिए हैं तो मैं आपकी बेटी आपके वचन जरूर पूरे करवाऊंगी, चाहे मेरे पास कुछ बचो या ना बचो। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे माँ और पिता ने कहा कि बेटी आज से ये घर तेरे लिए बाद में है और ससुराल सबसे पहले है। जिस दिन मैंने इस घर के अंदर कदम रख दिया उसी दिन से मैंने इस घर को अपना सब कुछ मान लिया। पिताश्री, मेरे लिए सबसे पहले आपके वचन आपका धर्म है, आपके वचनों का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। आपके वचनों को पूरा करवाऊंगी, पीछे नहीं हटूंगी।
रहिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे जीते जीना, जीते जीना घटने दूंगी थारे कुल की शान में। वह माता ने जन्म दिया से अच्छी खानदान में, थारे लिए अरे थारे लिए, अरे थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान, अरे थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान। दान पति का करके बेटी, दान पति का करके बेटी, कुल की लाज बचा के बेटी। जिंदगी भरना, जिंदगी भरना, जिंदगी भर ना भूलो सर पे यो ऐसा आग चढ़ा दे बेटी। धीर धवज ने, धीर धवज ने ये गाल भेद में भूखा शेर जी मारा दे। धीर धवज ने गाल भेद में भूखा शेर जी मारा दे। यह होन हर बलवान बताई मानस की के पार बसाई, होन हार बलवान बताई मेरे मानस की के पार बसाई। यो गर्दिश का फेरा तो आया भरत पाया साथ में। श्री लाडो, मैं आपको अपने पति का दान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक काम करना होगा आपको। काम? अगर वो शेर, हाँ। अगर वो शेर मेरे पति के मांस से नहीं छिका, अच्छा, अगर वो संतों का शेर मेरे पति के मांस से अगर भूखा भी रह जाए, हाँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्यों? आपकी बेटी लाज हर की उस शेर का भोजन बनने के लिए तैयार है। अगर वो शेर भूखा रह जाए तो बेधड़क होकर अपनी इस बेटी का मांस भी शेर के आगे डाल देना। ये बेटी हंसते हंसते मना नहीं करेगी। चौथी और लास्ट कली आपके बीच में है, तीन कली अच्छी लगी हो तो चौथी कली सुनने के बाद में इस वीर गाथा पे ताली चाहूंगा रागनी के अंतिम समय पे। सुनिए मेरी बात, शेर जी माना से मेरे पति ते वो मेरे पति से, हाँ? मेरे पति से नहीं जी क्या तो मेरा मांस खवाना, मेरे पति से नहीं जी क्या तो मेरा मांस खवाना, मेरे पति से नहीं जी क्या तो मेरा मांस खवाना से। जिसने बेटी जन्म दिया से, जिसने बेटी जन्म दिया से, धन्य धन्य तेरी जननी माई। फिर छाती से, फिर छाती पे चिपका ली बहु आख्या में तेरा सो लियाई। इंद्रपाल वो इंद्रपाल जोड़ी आड़ा गम से भर कर गम सारी, इंद्रपाल जोड़ी ईश्वर के लिए अद्भुत आया भेद किसे ने कोन्या पाया, ईश्वर के लिए अद्भुत आया भेद किसे ने कोन्या पाया। सदैव